हेलो, आई एम राजनंदनी कुमारी। मैंने बीट साइबर दरभंगा से अपना KYP का कोर्स कंप्लीट किया है। मुझे इस कोर्स की जानकारी अपने दोस्तों से मिली है। डेफिनेटली ये बहुत ही बेनिफिशियल कोर्स है। आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ बहुत कुछ सीखा है। इसमें 3 सेक्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स में आपको बहुत सारे नॉलेजेबल चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे। अगर हम फर्स्ट सेक्टर का बात करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें बेसिक से सारे कंप्यूटर्स की नॉलेज दिए जाते हैं। बहुत सारे, खासकर अगर हम बिहार की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने कंप्यूटर का बस नाम ही सुना होता है। तो यहाँ एक तरह से कंप्यूटर ऑन करना, ऑफ करना से लेकर शुरू बेसिक से सारा नॉलेज दिया जाता है। तो मुझे भी एक तरह से कंप्यूटर का नॉलेज ठीक तरीके से नहीं था, तो मैंने भी यहाँ बहुत कुछ सीखा। जैसे वर्ड में मैंने रिज्यूम बनाना सीखा, फिर से पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन देना सीखा, फिर से एक्सेल में रिजल्ट बनाना सीखा, पेंट में पेंट करना सीखा, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ मुझे सीखने को यहाँ मिला। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की, जिसको हम लोग लैंग्वेज स्किल भी बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग इस सेक्टर के, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हमें यहाँ इसमें कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया कि कैसे हम एक दूसरे से कम्युनिकेट हो सकते हैं। तो इसमें हमारे यहाँ के जो ट्रेनर हैं वो, उन्होंने हमारा बहुत हेल्प किया। जैसे कि जब हम लोग यहाँ आते थे कोर्स करने के लिए, तो जब भी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात आती थी तो वो लोग ग्रुप डिस्कशन करवाते थे, डिबेट करवाते थे, जिससे हम लोग का एक तरह से अंदर से हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। और डिबेट के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ जब भी प्रैक्टिकल करवाया जाता था तो उसमें बहुत सारे हमें ग्रामर सिखाए जाते थे, जिस बेसिक से हम लोग अब लंबे लंबे ट्रांसलेशन भी अच्छे तरीके से कर पाते हैं। अब हम आते हैं इसकी तीसरे स्किल पे, सॉफ्ट स्किल, जिसका नाम है सॉफ्ट स्किल। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बिहेवियर की बातें होती है। तो सॉफ्ट स्किल, हम किसी भी सेक्टर में चले जाएं, या फिर कोई जॉब करें, या फिर कोई प्राइवेट, या फिर हम कोई दुकान ही खोलते हैं, किसी भी सेक्टर में सॉफ्ट स्किल हर जगह ज़रूरत होती है। और इस सॉफ्ट स्किल में हम एक दूसरे कम्युनिकेट करेंगे एक दूसरे के साथ। जैसे हमें किसी भी जॉब में या फिर किसी भी सेक्टर में हमें अपना व्यूज़, अपनी बातें दूसरों के सामने रखनी होती है और उनकी भी बातें हमको समझनी होती है। तो ये जो व्यूज़ का जो आदान प्रदान है वो भी हम कैसे करेंगे, ये सारी बातें भी सॉफ्ट स्किल्स में आती है और हमने सीखी भी है यहाँ इस सॉफ्ट स्किल्स में। ये सारी बातें हमने सीखी भी है। फिर से कैसे बोला जाता है, खुद को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इससे एक तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस भी हम लोगों का बढ़ा और इसमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती। तो ये तो हो गई सॉफ्ट स्किल्स की बातें। लेकिन अगर मुझे पर्सनली पूछा जाए तो इन तीनों सेक्टर्स में मुझे सॉफ्ट स्किल ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि हम किसी भी सेक्टर में चले जाएं, सॉफ्ट स्किल की ज़रूरत हर जगह है। और इसे सेल्फ प्रेजेंटेशन जो होता है, मैंने उससे ये सीखा। तो आई थिंक मुझे सब खुद का अगर इंटरप्रिटेशन मांगा जाए तो मुझे ये स्किल, मतलब ये सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और फाइनली अगर हम बात करें तो मुझे इस कोर्स से बहुत ही बेनिफिट हुआ। जैसे कि मैं पहले बहुत हेजिटेशन मुझे होता था कि किसी के सामने में कैसे कुछ बोलना है, किसी इंटरव्यू के बारे में मैं सोचती भी थी तो घबरा जाती थी कि कैसे किसी के सामने हम इंटरव्यू देना है। लेकिन अब वो हेजिटेशन थोड़े कम हुए हैं। हालांकि मैं अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन वो इस कोर्स के माध्यम से थोड़ा कम हो गया है और मैंने दूसरों के सामने अपना प्रेजेंटेशन अब दे सकती हूँ। अगर अब मुझे कहीं कंप्यूटर पे बैठा दिया जाए तो मैं उसमें ऑपरेटिंग वर्क कर सकती हूँ। इससे मुझे वर्क प्लेस की जानकारी मिली है और फिर से ऑफिस बिहेवियर के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है। फाइनली अगर हम बात करें तो बहुत बेनिफिट हुआ है मुझे इस कोर्स से। सो थैंक्स द बिहार गवर्नमेंट की इतना अच्छा स्किल्स उन्होंने हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बनाया। और थैंक्स टू द ट्रेनर कि उन्होंने हम लोगों को इतने अच्छे तरीके से गाइड किया। थैंक्स टू ऑल।